नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने एक खास मुलाकात में देश से लेकर प्रदेश तक, खास तौर से विंध्य को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका कहना था, भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी इस समय डर गई है राहुल गांधी की पदयात्रा से, इसलिए वह तरह तरह से अफवाह फैला रही है। शाहरुख की फिल्म पठान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कपड़े के रंग को लेकर विवाद है या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ लोग इसे बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। विंध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। कुछ इस तरीके से कहना था पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का रीवा में कांग्रेस के संभागी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए। अजय सिंह राहुल साफ तौर से मानते हैं कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जैसा कि साफ तौर से देखने में नजर आ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की पदयात्रा में बुद्धिजीवी से लेकर आम आदमी, किसान, मजदूर सभी मौजूद हैं। एक बड़ा उदाहरण रीवा में भी देखने में नजर आ रहा है, जहां पर लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर भी अब खुलकर कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष साफ तौर से मानते हैं अब कांग्रेस के समर्थन में आम आदमी, या यूं कहा जाए हर वर्ग का लोग खुलकर आ रहा है, अपनी बात कह रहा है। हमारे यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, साथ ही बेवजह के विवाद को खड़ा करने का साफ तौर से कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक फिल्म को लेकर इस तरीके से विवाद नहीं होना चाहिए। हमारी टीम ने अजय सिंह राहुल से खास तौर से बात की, आइए आपको सुनाते हैं संभागी सम्मेलन में भाग लेने के बाद उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा। मैं जावेद, हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी हैं। विंध्य प्रदेश में, या यूं कहा जाए पूरे प्रदेश में, आपको सब भैया के नाम से जानते हैं। सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से आज पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी जी ने जो चाइना के खिलाफ बयान दिया था, चाइना को लेकर, उसको लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा ने प्रदर्शन किया, क्या मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से कोशिश करती आई है कि राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा करना, और जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की घबराए हुए हैं। तो यदि कोई सही बयान भी वो दे दे तो उसका प्रदर्शन विरोध करेंगे, ये इनकी शैली है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है, इन दिनों शाहरुख खान की एक फिल्म पठान आने वाली है, उसको लेकर भी तमाम लोग इस समय तमाम तरीके की बातचीत कर रहे हैं, आपका क्या है नजरिया? मैंने न पठान फिल्म देखी है न सुनी है, तो नजरिया क्या बता दूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने इस देश में इतने सालों से फिल्म बन रही है, तरह तरह की फिल्में बनी, लेकिन कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ जिस तरह से आजकल हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, हर कलाकार को अपना प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें मेरे यही है, पठान में जानता हूँ पठान है क्या, फिल्म क्या है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म आप बता रहे हैं, सुना मैंने। निकट भविष्य में अब चुनाव भी होने वाले हैं, यहाँ पर पिछली बार उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था, इस बार किस तरीके से तैयारी और क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? आपने बहुत हल्के तरीके से कहा पिछली बार प्रदर्शन ठीक नहीं था, प्रदर्शन बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन 2013 में जैसे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें रीवा संभाग को मिली थी, मैं वायदे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि 2023 में 13 से भी कितनी ज्यादा बढ़ेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि किसी संभाग में सबसे ज्यादा सीटें रहेंगी वो रीवा संभाग। ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, जिनका साफ तौर से कहना था इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए
न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।